नमस्कार, मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित टीआरटी आर्ट्स बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस अर्थात सीतेशम कॉलेज नासिक विभाग हिंदी कक्षा FY बीकॉम सेमिस्टर द्वितीय हम कहानी देख रहे हैं चिट्ठी अखिलेश द्वारा लिखी। इस कहानी का प्रथम अंश हमने देखा था। इस कहानी का द्वितीय अंश इस प्रकार से है। मैं सदानंद जी के अलावा और किसी का पीरियड अटेंड नहीं करता था, क्योंकि बाकी अध्यापक पढ़ाई के नाम पर कथा वाचन करते थे या खुद सही किताब से नकल करके इमला लिखवाते थे। एमए में नकल का इमला। मैंने इनकी कक्षाओं का बायकॉट कर दिया, पर मेरे इस कुकर्म पर वे भन्नाने की जगह परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब वे क्लास में निर्भीक भाव से लघु शंका दीर्घ शंका समाधान कर सकते थे। मुझे त्रिपाठी पर झुंझलाहट हुई। आ क्यों नहीं रहा है? कहीं डूब गया होगा? बर्तरस त्रिलोकी को बोलने का भयानक चक्कर। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि त्रिलोकी जब बोलना शुरू करता है तो सामने वाला केवल कान होता है और वह केवल मुंह। मेरे विभाग में उसके आने का एक उद्देश्य सुंदरियों को देखना भी होता था। यहाँ एमए के दोनों भागों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा होती थी, इसलिए यह विभाग अन्य छात्रों का तीर्थ होता था। यहाँ लोग विपरीत सेक्स के चक्कर में इस तरह मंडराते जैसे अस्पताल और मंदिरों के आसपास मंडराते हैं। वैसे यह विश्वविद्यालय का मीरगंज बोला जाता था। मीरगंज इलाहाबाद का वह स्थल है जहां नैतिकतावादी लोग बहुत सतर्क होकर घूमते और टीकते हैं और बाहर निकलते भी हैं। कभी सदानंद जी का स्कूटर रुका और वह अपना हेलमेट हाथ में झुल्लाते हुए आने लगे। हमारी मंडली उनका बेहद सम्मान करती थी, लेकिन उनसे हमारे संबंध बेकलूक हुए। एक बार हमने उनसे शराब के लिए रुपए भी लिए थे। वह अपनी मेधा और वामपंथी रुझान के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की वजह से भी चर्चित थे। उन्होंने प्रेम विवाह किया था, किंतु विभाग की अध्यापिका सुनीता निगम से प्रेम करते थे। दोनों दुस्साहसी थे और भरे विभाग में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे। कई लोगों ने उन्हें सिविल लाइन के एक अच्छे रेस्तरां में देखा सुना था। गुरु के बारे में ज्यादा क्या कहा जाए, समझदार के लिए इशारा भी काफी है। मतलब यह कि विवाह न करके वे बावजूद दोनों दंपति थे। सदानंद जी मुझे देखकर मुस्कुराए और पास आकर मेरी अभी हाल में छपी एक कविता की तारीफ करने लगे। मैंने सोचा इस तारीफ को कोई सुंदरी सुनती तो आनंद था। तभी एमए प्रीवियस की नई किंतु सुंदर लड़की उपमा श्रीवास्तव थी। हम दोनों का हल्का हल्का चक्कर भी चल रहा था। मैं उसे बुलाकर सदानंद जी से परिचय कराने लगा। परिचय के बाद मैंने कहा, हाँ तो सर, मेरी उस कविता में कोई कमी हो तो वह भी कहे, तारीफ तो आपने बहुत कर दी है। वह मुस्कुराकर बोली, नहीं भाई, यह तुम्हारी बहुत अच्छी कविता है। तरतरा त्रिलोकी आ गया था। आज हम चार लोग धूप के एक रुत्त में खड़े थे। तभी विभाग अध्यक्ष महेश प्रसाद, जिन्हें मंडली गोबर गणेश जी कहती थी, लपड़ झपड़ आते दिखाई पड़े। उन्हें देखकर उपमा थोड़ी दूर खिसक कर खड़ी हो गई। कई दूसरे लोगों ने भी अपनी पोजीशन बदल ली, क्योंकि सदानंद जी और गोबर गणेश जी में दांत कांटी दुश्मनी थी। गोबर गणेश जी हिंदी विभाग का अध्यक्ष होने के नाते अपने को साहित्यकार लगाते थे, पर साहित्य में मान्यता सदानंद जी की थी। इसके अतिरिक्त गणेश जी को वीसी लॉबी में थे, जबकि सदानंद जी एंटी वीसी लॉबी में थे। और सबसे खास बात
इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों में ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोग शक्तिशाली थे, जबकि सदानंद जी सिंह थे। इस मामले में भी गणेश जी का कहना था कि असल में वह सिंह नहीं यादव थे। सदानंद मथुरा के नंद के कुलवंशी थे। गणेश जी निकट आए तो सदानंद ने नहीं, लेकिन मैंने और त्रिलोकी ने प्रणाम किया। जवाब में उनका सिर कांप तक नहीं और आगे बढ़ गए। त्रिलोकी उनके पीछे हो लिया। सर, हमारा और आपका मुद्दा आज हर हाल में साफ होना चाहिए। मैं भी सदानंद जी को छोड़कर लपका। त्रिलोकी गणेश जी के संग उनके कमरे में घुस गया तो मैं चीख से सट कर खड़ा हो गया। कैसा मुद्दा? गणेश जी हाँफ रहे थे। भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण क्या थे? उस दिन बताया था, सुना नहीं क्या? उन्होंने किसी बच्चे की तरह चीड़ कर कहा। उस दिन भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण बतलाने के नाम पर आप सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें क्यों बताऊं सामाजिक आधार? तुम तो हिंदी के छात्र हो नहीं, आउटसाइडर होकर मेरे विभाग में कैसे घुसे? त्रिलोक की कुर्सी खिसक खाकर खड़ा हो गया। हाथ के पंजों को मेज पर रखकर थोड़ा सा झुक गया। भक्ति आंदोलन पर हिंदी वालों का बैनामा है क्या? रही बात आउटसाइडर की, तो जो साले लुच्चे बदमाश आपके विभाग में आंख सेंकने आते हैं, उनको कभी आपने मना किया? मना किया? आए, उनको मना करने में आपकी दुख दुख होती है। मीना बाजार बना रखा है हिंदी डिपार्टमेंट को, महानगरों की सीटें बसे बना रहा है। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। तो आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं? मैं हिंदी का विद्यार्थी न होते हुए भी आपको चैलेंज करता हूं कि हिंदी साहित्य ही नहीं संसार के साहित्य के किसी मसले पर बहस कर ले। बहस में अगर जीत जाए तो मैं पेशाब से अपनी मूंछ मुड़ा दूंगा। मैं कहता हूं निकल जाओ, निकल जाओ। मुझसे निकलने को कह रहे हैं? दूर दूरा है, जबकि मैं साहित्य का योग्य अध्येता हूं और गुंडों को आप शेल्टर देते हैं। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बात कह देना चाहता हूं कि क्या कारण है जब से आप फेर हुए हैं यहां केवल लड़कियों ने ही टॉप किया। वह तमतमाया हुआ बाहर आ गया। मैंने खुश होकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। वाह गुरु, मजा आ गया। चलो लल्ला के दुकान पर तुम्हें चाय पिलाता हूं। अबे पहले एक ठो सिगरेट तो पिला। हा 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 गुरु लो। हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। पढ़ने में रुचि रखने वाले लड़के लड़कियां हमें मुग्ध भाव से देख रहे थे, लेकिन पास नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को अच्छे नंबर लाने थे, जो वे समझ रहे थे कि गणेश जी की लेंडी तय किए बिना नहीं मिल सकते थे। उपमा श्रीवास्तव भी एक कोने में खड़ी होकर हमें देख रही थी। त्रिलोकी मुस्कुराया। कहो, अब तक भाभी जी को देवर दिखलाते रहोगे? वैसे उनके बगल वाली मेरी श्रीमती हो सकती है। श्री शादी सुधा, सपने देखना छोड़ दो, मैंने कहा। लेनिन के अनुसार सपने हर इंसान को देखने चाहिए। वह तो दिन वाला सपना है, तुम तो रात वाले सपने देख रहे हो। तुम कुवारे साले स्वप्न दोष से आगे जा ही नहीं पाते। हा 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 हा, मैंने ठहाका लगाया और कहा, इस बात का फैसला लल्ला की दुकान पर होगा। लल्ला की दुकान पर लड़कों का खूब जमवाड़ा होता था, जिसकी खास वजह थी दुकान यूनिवर्सिटी और कई हॉस्टलों के निकट थी। फिर सामने विमेंस हॉस्टल था। इसके अलावा लल्ला ने एक हिस्से में जनरल स्टोर की भी दुकान खोल रखी थी। विमेंस हॉस्टल के आसपास में इकलौती अच्छी दुकान थी, तो हमेशा दो चार लड़कियां खरीद फरोख्त करने मिलती। मैं और त्रिलोकी की दुकान पर पहुंचे, वहां इलेक्शन की चर्चा थी। हमने चर्चा में शरीक होने के पहले जनरल स्टोर की तरफ देखा।
कुछ लड़कियां और कुछ सामान्य जन सामान खरीद रहे थे। त्रिलोकी ने मुझे कौंचा, वो पीली साड़ी वाली को देखा? मैंने देखा, गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखों वाली थी वह। पीली साड़ी उसके गोरेपन को चंदन का रंग बना दिया था। शैम्पू के चमकते हुए बाल घुंघराले और कटे हुए थे। मैंने उसे पहले भी कई बार देखा था। वह वेश बदला करती थी, कभी सलवार कुर्ते में होती तो कभी पैंट शर्ट में तो कभी शर्ट में। उसके कपड़े कभी ढीले होते तो कभी चुस्त। आज पीली साड़ी पहने थी और अलौकिक बाला लग रही थी। देख लिया, मैंने बताया। क्या प्रतिक्रिया है? भारती मोनालिसा, ये पंकज सक्सेना की है। दोनों एक दिन शादी करेंगे और हमें भविष्य भर दावते देंगे। पंकज की योजना है, नौकरी लगने लगते ही शादी कर लेगा। ईश्वर इसे अखंड सौभाग्यवती बनाए, मैंने कहा। हम दोनों आकर दुकान के स्टूल पर बैठ गए। छात्र संघ के चुनाव परिणाम पर चर्चा चल रही थी। इस बार हमारी मंडल जिस संगठन से जुड़ी थी उसने भी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी खड़ा किया था, जिसने अच्छी तरह शिकस्त खाई थी। दरअसल आजादी के बाद इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ का इतिहास रहा है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी ठाकुर या ब्राह्मण ने ही पादा है और प्रकाशन मंत्री की कुर्सी कोई हिजड़ा भड़वा टाइप का ही आदमी गंदवाता रहा है। अध्यक्ष विगत अनेक वर्षों से भारतीय राजनीति के एक धूर कूटनीतिक बहुखंडी जी की उंगलियों और आंखों की संगति, चित्रकला और भाषा को तत्क्षण समझ लेने वाला होता रहा है। इसके मूल में छिपा रहस्य है कि बहुखंडी जी पहले इस बात का जायजा लेते हैं कि कौन दो सबसे वरिष्ठ प्रतिद्वंद्वी है, फिर उनका कुबेर दोनों को समृद्ध करता है। इसके बावजूद इस बार हमारा संगठन बहुखंडी जी की मंशा का खंड खंड करता, बहुखंडी जी ही को शराब के बड़े ठेकेदार सीताराम बरपनपाल, उद्योगपति हाफी, सभी के फन को कुचलाता हमारा संगठन, सभी की ललकपाती जीव को सिद्धांतों के धागों से नापता हमारा संगठन। लेकिन चुनाव की पिछली रात जनेऊ घूम गया। बहुखंडी जी का प्रत्याशी इस बार ब्राह्मण था। मशाल जुलूस निकालने के बाद वह सभी छात्रावासों में गया और अपनी जाति के लोगों की मीटिंग कर पानी भरने की रस्सी जितनी मोटी जनेऊ निकाल कर गिड़गिड़ाया, जनेऊ की लाज रखो और हम हार गए। हम छात्र संघ के चुनाव की चर्चा में डूब उतरा ही रहे थे कि रघुराज हांफता हुआ आया और मुझसे तथा त्रिलोकी से एक साथ बोला, 6 समोसे खिलाओगे? हम समझ गए, आज खाना नहीं खाया है उसने। इस समय वह थोड़ा बूझा हुआ था कि त्रिलोकी ने उससे पूछा, कहां से आ रहा है महाराज? यार, 2 लड़कियों से आरूढ़ रिक्शे के पीछे साइकिल लगाई, रिक्शा सिनेमा हॉल के पास रुका, मैं भी देखने लगा। हम समझ गए, अब रघुराज शुरू हो गया है। मैंने पूछा, कैसी थी फिल्म? ठीक ही थी, बस अश्लीलता का अभाव था। रघुराज की विशेषता थी कि मूड की स्थिति में संसार के सभी क्रिया व्यापार के मूल्यांकन के लिए उसके पास इकलौता बैठखरा सेक्स था। और लड़कियां कैसी थी? त्रिलोकी का प्रश्न। क्षमा करना यार, मैं बताना भूल गया, उसने एक लड़की थी, दूसरी नवविवाहिता थी भाभी जी। पर तुम किसके लिए प्रयासरत थे? दोनों के लिए, बेशक दोनों के लिए, लेकिन ज्यादा भाभी जी के लिए। लेकिन रघुराज, मैंने प्राय देखा है कि तुम्हें शादीशुदा औरतें ज्यादा अच्छी लगती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है चरम समय पर वे जी जी नहीं करते। वाह रघुराज, तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है, तुमको लेखक होना चाहिए। उपन्यास पर काम करो रघुराज।
कर रहा हूँ, एक उपन्यास पर काम कर रहा हूँ, अतृप्त काम वासना का जिंदा दस्तावेज, और एक कहानी पूरी की है। इलाहाबाद के तीन लड़कों को देखकर दिल्ली की लड़कियां विद्रोह कर नंगी घर से बाहर। उसने जोर का ठहाका लगाया, साले लेखकों की दुम, आज तक मैंने कुछ लिखा है जो अब लिखूंगा, फिर आज तक बांझ औरत के कभी संतान हुई है? रघुराज अब अपनी रो में था। हमने वहां से उठ लेना ही बेहतर समझा, क्योंकि वहां मंडली से बाहर के कई लड़के थे जिनकी निगाह में हम ब्रह्मचारी किस्म के सरल सीधे माने जाते थे। हम उठने लगे तो दूसरे लोगों ने हमें रोका, लेकिन हम रुके नहीं। थोड़ी ही दूर बड़े होंगे कि रघुराजन ने अपना काम शुरू कर दिया। आने जाने वाले प्रत्येक लड़की को वह टकटकी बांध कर देखता। हमने टोका तो कहने लगा, कहां कायदे से देख पाता हूं, ईश्वर ने एक आंख पीछे भी दी होती तो कितना आनंद होता। मैंने सलाह दी, तुम इसके लिए तपस्या शुरू कर दो। ठीक है, वह ठिठक गया, मैं यहां भी रमाऊंगा। ठीक सामने विमेंस हॉस्टल था, मुझे इसकी यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो, तुम विमेंस हॉस्टल के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरे में लड़कियां का यह हॉस्टल मुझे एक अद्भुत रहस्य लोक सा लगता है। मेरे भीतर इसके लिए एक पवित्र भाव है। देखो बालक, वैसे मैं तुम्हारे तथाकथित पवित्र बोध को अपवित्र नहीं करना चाहता। रघुराज गंभीर हो गया, लेकिन अज्ञान की वजह से जन्मी पवित्रता कोई वजह नहीं रखती, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर सकता हूँ। चाहते हो? त्रिलोकी बोल पड़ा, हाँ हाँ महाराज, बताओ। और कहानी का अंश यहाँ पर समाप्त होता है।